प्रगति बंसल और आप देख रहे हैं ऑल वन न्यूज। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर हिंसा पर बड़ा बवाल, राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को सौंपा सबूत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा, बूथ के अंदर केंद्र बलों की होते न थे। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला, एक याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला रखा गया था सुरक्षित। लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, एक हफ्ते तक चुनावी रणनीति को लेकर करेंगी माथापच्ची। प्रस्तावित प्रतिज्ञा यात्रा के रूट और मुद्दों पर तय होगी रणनीति संगठन, वह पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। 100 विधानसभा पर कांग्रेस ने वार्ड रूम बनाने की प्रक्रिया की तेज, सामाजिक कार्य करने वाले लोगों के साथ भी मुलाकात। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं जेएनयू पूर्व छात्र कन्हैया कुमार, राहुल गांधी की मौजूद होने की खबर। दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी भी कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल, गुजरात के वड़गांव से है निर्दलीय उम्मीदवारी। जोधपुर के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यपाल कलराज मिश्रा के साथ मेहरानगढ़ किले का किया दौरा। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय में अधिकारियों से की थी बात, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के हाजीपुरम पंचायत चुनाव से पहले पुलिस एक्शन में, डीएम एसपी के साथ पुलिस और अधिकारियों का मार्च, बिना परमिशन प्रचार करते हुए दिखे प्रत्याशी, पोस्टर वाली प्रचार गाड़ी सहित 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त। कमजोर पड़ रहा है गुलाब तूफान, दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ओडिशा और आंध्र की सीमा पर भारी बारिश से हाहाकार, गुटा बांध में बाढ़ के हालात। आंध्र प्रदेश में दिख रहा है तूफान गुलाब का असर, तटीय इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। भारी बारिश की आशंका के बीच तेलंगाना सरकार का फैसला, आज स्कूल कॉलेज और दफ्तरों की छुट्टी का ऐलान। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश का कहर, मरीज पर गिरी अस्पताल की छत। हावड़ा में छाया हुआ है बुखार का कहर, 25 बच्चे अस्पताल में भर्ती। कानपुर में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत, पहले दिन 16 लोगों ने लगवाई स्पुतनिक वैक्सीन। असम में 1 नवंबर से सभी कोरोना पाबंदियों को खत्म करने का किया जा रहा है विचार। मध्य प्रदेश के सिवनी में बच्चों की सीएम से गुहार, बैठने के लिए क्लास बनवाने की मांग, पहले से चौथी तक के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर। 5वीं से 8वीं तक पढ़ाई बरामदे में, स्कूल में सिर्फ 3 कमरे सही सलामत, उनमें पढ़ते हैं 9वीं और 10वीं के बच्चे। धर्मांतरण के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए AIMIM का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम की आपत। पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी इंजमाम उल हक को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती। इमरान ने की तालिबान के समर्थन में बैटिंग, कहा उन्हें प्रोत्साहित करो, वो वादे पूरे करेंगे। ऐसी और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।